जोर शोर से 6 साल पहले शुरू हुआ चाइना पाकिस्तानी इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी कि सीपेक लगभग फेल हो चुका है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ब्लूमबर्ग ने अपनी रिपोर्ट्स में कहा है कि फिलहाल तो ग्वादर बंदरगाह पर AK-47 लिए कुछ सिपाही हैं और समुद्र में खड़ा पाकिस्तानी नेवी का एक फ्रिगेट है। चाइना अब तक $62 बिलियन लगा चुका है, पर पाकिस्तान में भ्रष्टाचार के चलते आधे से ज्यादा पैसा पाकिस्तानी अधिकारी और सेना के अधिकारी खा चुके हैं। अभी भी कई जगह पर सीपेक के कई प्रोजेक्ट डेडलाइन से पीछे चल रहे हैं। इसकी वजह से चाइना भी नाराज है, इसलिए चाइना ने पिछले साल $19 बिलियन रोक लिए थे। अब रही कसी कसर कोरोना वायरस ने पूरी कर दी है। सीपेक प्रोजेक्ट में जितने कर्मचारी काम पर लगे हुए थे वो या तो छुट्टी पर हैं या चीन वापस लौट गए हैं। कोरोना वायरस ने सीपेक का काम बुरी तरह से प्रभावित कर दिया है। चीन की आर्थिक हालत भी फिलहाल खराब है, ऊपर से यूएस से ट्रेड वॉर भी जारी है। ऐसे में वो भी सीपेक पर पूरा ध्यान नहीं दे पा रहा है। सीपेक के ऊपर संशय के बादल तो उसी दिन से नजर आने लग गए थे जब भारत ने इसका न सिर्फ हिस्सा बनने से मना कर दिया था बल्कि इसे अपनी संप्रभुता का उल्लंघन भी बता दिया था। भारत जैसे बड़े देश का इसमें शामिल न होना भी इसके फेल होने की वजह है। ब्लूमबर्ग आगे लिखता है कि बलूचिस्तान में सक्रिय चरमपंथी संगठन BLA ने इसको पूरी तरह से नकार दिया है। पिछले साल ग्वादर में मौजूद चीनियों की होटल पर हमला करके BLA ने अपने इरादे जता दिए थे कि वो बलूचिस्तान में चीनियों को पसंद नहीं करेंगे। कुल मिलाकर पाकिस्तान ने जो अपने लोगों को सीपेक द गेम चेंजर का चूरन बेचा था वो फ्लॉप हो गया है। सीपेक एक ऐसा भयानक जाल बन चुका है जिससे पाकिस्तान का चीन का गुलाम बनना लगभग तय है।